कंपनी टीआरसी कार्ड बनाकर नहीं दे रही। कंपनी टीआरसी कार्ड कब बनाकर देती है? टीआरसी कार्ड के क्या फ़ायदे हैं? टीआरसी कार्ड क्यों ज़रूरी है? टीआरसी कार्ड होता क्या है? आजकल रोमानिया में कंपनियां टीआरसी कार्ड क्यों नहीं बनाकर दे रही? आज इस मौजू पर बात होगी। वीडियो पर जाने से पहले कैंडली दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा टीवी और मैं आपका अपना दोस्त राजा हमानी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। दोस्तों, बहुत से मैसेज आए हैं मेरे दोस्तों के कि आजकल कंपनियां टीआरसी कार्ड बनाकर नहीं दे रही। अगर नहीं दे रही तो हम क्या करें? क्या हम खुद टीआरसी कार्ड बनवा सकते हैं? तो मेरे प्यारों, बात कुछ इस तरह से है। जब से ये दो नंबरी शुरू हुई है, कंपनियां ज़रा मुतात हो गई हैं कि वो देखती हैं कि बंदा एक माह दो माह के अंदर अंदर भाग जाता है या नहीं भागता। अगर वो डंकी लगा अगर गैप हो जाता है फिर तो वो नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया। टीआरसी कार्ड होता क्या है? टीआरसी कार्ड अगर आपके पास है तो आप लीगल हो। वहाँ टीआरसी कार्ड आपका अगर बन जाता है तो आप लीगल हो जाते हो रोमानिया में। आपको कोई पुलिस वगैरह नहीं पूछ सकती, सिर्फ वो कार्ड चेक करेगी और आपको छोड़ देगी। टीआरसी कार्ड का ये फ़ायदा, टीआरसी कार्ड आपके पास है तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। टीआरसी कार्ड आपके पास है तो आप किसी दूसरी कंपनी में अपनी जॉब चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया। टीआरसी कार्ड है तो आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हो। टीआरसी कार्ड आपके पास है तो आप अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में छुट्टी आ जा सकते हो। अगर टीआरसी कार्ड नहीं है तो आप अनलीगल हो। ठीक हो गया। अब अगर आपकी कंपनी आपको टीआरसी कार्ड नहीं बना कर दे रही तो आपको क्या करना चाहिए? लेबर कोर्ट में आप जाकर उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकते हो कि सर, मैं इतने अरसे से इस कंपनी में काम कर रहा हूं और मुझे टीआरसी कार्ड नहीं बना कर दे रही। तो लेबर कोर्ट वाले कंपनी को और आपको एक डेट देंगे, आमने सामने बिठाएंगे, आपकी बातें सुनेंगे। अगर आप सच्चे हुए तो आपके हक में फ़ैसला होगा। अगर आपकी कंपनी झूठी हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ैन करेगी, जुर्माना करेगी और आपको कार्ड बनवा कर देगी। आप इस तरह टीआरसी कार्ड बनवा सकते हो। बिल फ़र्ज़ करो आप कंपनी से भाग गए हो, किसी दूसरी कंपनी में चले गए हो, तो फिर आपको खुद टीआरसी कार्ड बनवाना पड़ेगा। उसके लिए पैसे लगते हैं, यूरो लगते हैं, एजेंसियों वाले हैं, एजेंट्स रात हैं जो बनवा कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सी मेहनत तलब काम है। तो टीआरसी की बात ये थी। टीआरसी कार्ड सेम वही कार्ड होता है जैस जो मेरे दोस्त सऊदीया, दुबई, बहरीन, कुवैत वगैरह गए हैं, जिसे अगामा हम बोलते हैं, वही टीआरसी कार्ड रोमानिया में सेम वही चीज़ होती है। क्योंकि आपका जो वीज़ा होता है वो 3 माह का होता है, विज़िट वीज़ा होता है, उसके बाद आपको वो पक्का वीज़ा लगा कर कंपनियाँ देती हैं। ठीक हो गया। अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो आप सब काम कर सकते हो लीगल तरीके के साथ रहकर। अगर नहीं है टीआरसी कार्ड तो आप अनलीगल हो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि टीआरसी कार्ड होता क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके बेनिफिट क्या है। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिए। अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।